नमस्ते प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा पे आपका स्वागत है। आज का विषय है मिर्च मसाला। पाठ दो, मिर्च मसाला। इस पाठ का नाम है मिर्च मसाला। मिर्च मीन्स चिली, मसाला मीन्स स्पाइसी। चिल्ड्रन ऑलरेडी ऑल रिटन इन द स्पाइसी नेम इन द ग्रामर नोटबुक। मिर्ची पहले से ही तीखा होता है। मसाले के पदार्थ भी बहुत तीखा होता है। मिर्ची के ऊपर बार बार मसाले डालने से उसका स्वाद और भी तीखा पड़ जाता है। उसी तरह हम इस कहानी में आने वाले सन्निवेश भी हैं। बच्चों, हम अपने मित्र को एक छोटी सी बात कहते हैं, वही मित्र दूसरे मित्र को उसी बात को कहने पर उन्होंने थोड़ा मसाला ढाल कर कहता है। इसी तरह संदेश रवाने होने के समय पर थोड़ा थोड़ा मसाले ढाल कर कहने लगते हैं। कितना तुम मसाला डालोगे उतना तीखा पड़ते जाते हैं, है ना बच्चों? इसलिए हमें रहस्य यानी हमारा इज्जत व्यक्तित्व के बारे में जुड़ा हुआ बात को बताने के पहले सावधानी से रहना चाहिए। एक बात कहने के पूर्व हम 100 बार सोचना है। आइए बच्चों, अब हम पाठ के द्वारा मिर्च मसाला कहानी के बारे में जानेंगे। घर में पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था बोलूम और पति का नाम हीरा था। एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। शाम मींस इवनिंग, आंगन मींस कोर्टयार्ड। एक दिन शाम के समय पर बोलू आंगन में बैठकर, आंगन मींस घर के अंदर या सामने या खुला बाग को हम आंगन कहते हैं, बोलू ने हाथ में दूध की लोटा पकड़कर दूध पी रहा था। वन डे इन इवनिंग बोलू वाज सिटिंग इन हिज कोर्टयार्ड एंड ड्रिंकिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क। उसे काफी आनी, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। लुढ़क मींस टू रोल ऑन द ग्राउंड, फैल मींस स्प्रेड। दूध पीने के समय पर उसे जोर से खांसी आई, खांसी मींस कॉफ। खांसी आने के वजह से हाथ में पकड़ा हुआ लोटा अचानक से लुढ़क गया। लुढ़क गया मींस गिर गया। किसी को भी खांसी आने के समय पर जो भी चीज मुंह में रहता है ना बच्चों, वो बाहर आ जाता है। उसी तरह बोलू को भी हो गया। थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। When he was drinking the milk, suddenly he coughed. The glass of milk fell on the ground. The milk was spread over the floor. पहले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए, वह घबरा गया। पहले दूध में क्या था बच्चों? हाँ, दो पंखे दिखाई दिए। दो पंखे दिखाई देने से उसको बहुत घबराहट हुआ और उन्होंने घबरा गया। In that spreaded milk, he saw two wings and he was scared. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। इस चित्र पे आप देख सकते हो कि पति बोलू ने इतना घबरा गया है। डर जाने की वजह से उसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने अपने पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। What बोलू said children, are you understand? हाँ, बोलू said He was very scared, no? That's why he called her wife and told her that I will tell you something you should not tell for anybody. कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली।
मोलू ने दूध में पंख के बात बता दी। पत्नी कसम का कर कही, और मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप बोलिए। मोलू ने जमीन पर फैला हुआ दूध को दिखाकर मुंह से निकला गया पंख के बात उन्होंने बता दी। The wife replied, I promise, I will not tell to anybody. Please tell me, Bolu. Bolu said about the wings which had came out of his mouth. Hira इस बात को पचा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। अपने पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंखे निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बदगंड बना देंगे। हीरा इस बात को क्या करने लगी, छुपा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। फूलने लगा का मतलब क्या है? किसी बात को कहने के लिए बहुत उत्सुकता होना। उन्होंने तड़प रही थी रहस्य के बात को बोलने के लिए। और उस समय उसकी पड़ोसन चंपा की याद आ गई और उसके पास चलकर उन्होंने कहने लगी, एक रात की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? मेरे पति के मुंह से क्या निकला? बहुत सारे पंखे निकले। बच्चों, बहुत सारे पंखे निकले थे क्या? नहीं, सिर्फ दो पंखे निकले थे, मगर उन्होंने क्या कहा, बात को बढ़ाकर बहुत सारे उन्होंने कहने लगे। एक और बात जमा कर बात को बढ़ा कर दिया और कहने लगी, क्या कहने लगे उन्होंने, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मैं क्या करूं, न जाने उनका क्या हो गया है, पर तुम इस बात को किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि लोग एक बात को बदकंड बना देंगे, मींस एक बात को 100 बात बना देंगे। इस तरह कहकर वो चली गई। Are you understand children? What I said now? Yes, correct. Hira was not able to hide the words. She told her neighbor Champa, I will tell you one secret. You know what happened? When my husband was drinking milk, suddenly he coughed along with the milk and he split lots of wings, children? No, he split only the two wings. And she is saying, I'm getting tension. I don't know what will happen to him. But you don't tell this to anyone. चंपा सिंह रह ना गया। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तुम, उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। खाने से पहले चमेली से वादा करवा लिया। चंपा से रह ना गया। हीरा किसी से मत कहने का वादा उन्होंने ले लिया था, फिर भी चंपा से रह न गई। उसे लगा कि अगर यह बात किसी से नहीं कही तो मेरा पेट फट जाएगा, यानी पेट में बहुत पीड़ा या दर्द होगी। इसलिए उन्होंने अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। उगलना में स्पिट आउट। सारा विषय उन्होंने चमेली को बता दी और खाने से पहले चमेली से एक वादा में वचन ले लिया, तुमने किसी को मत कहना। Are you understand children? Champa also couldn't hide these words. She was very excitement to tell
संबंध। She saw her friend Chameli and she told all these words. Before telling those words, she taken promise. चंपा बोली, देखो तुम, बोलू जी को आज काशियां आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर? कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे होगा? बच्चों, चंपा कह रहे हैं कि आज बोलू जी क्यों कासिया आ गई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। बच्चों, चंपा पूरा कबूतर निकला ये कह रहे हैं ना बच्चों, मगर हीरा ने क्या बता दी थी? हीरा ने बता दी थी कबूतर के पंखे, मगर चंपा क्या कह रही है? एक पूरा कबूतर। देखिए बच्चों, किस तरह बात से बात जोड़ा रहा है ना बच्चों, मगर चमेली को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर? पूरा कबूतर कैसे होगा? वो तो बहुत बड़ा पक्षी है, उन्होंने कैसे काया होगा और कैसे उसके मुंह से कबूतर निकला होगा, उन्होंने सोच रही थी। और चंपा टोल्ड टू चमेली, यू नो आवर बोलू जी इज देयर नो, व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग ए मिल्क ही कॉफ्ड वन फुल ऑफ पिजन ऑफ हिज माउथ। चमेली कांट ट्रस्ट हरसेल्फ, पिजन इज अ बिग बर्ड, हाउ कम टू ईट दैट, शी इज थिंकिंग। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि बोलू के मुंह से झुंड कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। चंपा और चमेली बात करने के समय पर बच्चों किसी पड़ोसन ने उसके बात सुन लिया। पड़ोसन मीन्स नेबर, इसलिए थोड़ी ही देर बाद गांव में यहाँ खबर फैल गई कि खबर मीन्स न्यूज, बोलू जी के मुंह से झुंड के झुंड मीन्स ग्रुप ऑफ कबूतर, कौवे, गौरैये, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। कौवे मीन्स क्राउस, गौरैये मीन्स पैरोस, मुर्गे मीन्स कॉक, सब पक्षी निकल रहे और कई आकार मीन्स डिफरेंट शेप और साइज बर्ड्स आल्सो कमिंग, एंड कई रंग के पक्षी मीन्स डिफरेंट कलर्स बर्ड्स आल्सो कमिंग, एंड विदेश के पक्षी मीन्स फॉरेन बर्ड्स आल्सो कमिंग इन हिज माउथ। और इन पक्षियों से आकाश क्या हो रहे हैं? पूरा भर गया है, ये सारा पक्षियों से आसमान भर गया है। इससे क्या पता चल गया है बच्चों? हाँ, एक छोटा सा विषय से कितना बड़ा विषय में बदल गया। इसको कहते हैं राय को पहाड़ बन गया। राय मीन्स मस्टर्ड, एक छोटा सा चीज क्या हो गया? बहुत बड़ा पर्वत बन गया। पर्वत मीन्स पहाड़, पहाड़ मीन्स माउंटेन। सीन After few minutes, this matter spread all over the village. What is that, children? Group of pigeons, crows, sparrows and different shapes, size birds and different color birds and foreign birds also coming in his mouth. And sky full of many birds are there. यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बच्चों, हम किसी के मुंह से इतने सारे पक्षियों निकलना हम नहीं देख सकते, है ना बच्चों? हाँ, बोलू को सिर्फ उसके मुंह से दो पंखे दिखाई दिए, मगर अब क्या हुआ है, गांव के लोग और दूर दूर में रहने वाले लोग समझने लगे। आसमान मीन्स स्काई, आसमान में अब बहुत सारे पक्षियों उड़ रहा है,
उस सारे पक्षियों के पीछे एक बोलू है। चलो अब सब मिलकर बोलू के चमत्कार को देखेंगे। इस तरह सोचते दूर दूर से लोग आने लगे। बेचारा बोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। उसने अपने आप को छिपा कर रखा था, एक पेड़ के ऊपर चढ़कर अपने आप को छिपा कर रखा था। बोलू वॉज स्केर्ड एंड ही क्लाइम्ड ट्री एंड हिडन हिमसेल्फ। मगर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सब लोग ने उसे ढूंढ निकाला। कुछ देर ही बाद सब लोग मिलकर उसको ढूंढ लिया। After few minutes, all the people found him out. उसको घबराहट को देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, है ना बच्चों? किसी भी रहस्य यानी हमारा इज्जत या व्यक्तित्व के बारे में जुड़ा हुआ बात को बताने से पहले सावधानी से रहना, और किसी बात को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। They all saw that he was scared. They understand that before telling a secret, we have to think 10 times. चलिए बच्चों, अब हम सीखेंगे शब्दार्थ। कसम, कसम means सौगंध, शपथ। बात को पछाना, पछाना means किसी बात को छिपा लेना। पेट फूलना means किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना। राज, राज means रहस्य। पेट फट जाना means पेट में बहुत पीड़ा होना, विकृत अवस्था में आना। बात उगलना, उगलना means स्पिट आउट, रहस्य बात को प्रकट करना। खबर, खबर means न्यूज, समाचार, हाल। गौरैया means गुब्बची, पैरो। Children, in Olo app, I will send this lesson. Please read this lesson and try to understand it. धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ रहे।